अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम नया डिज़ाइन बना रहे हैं लेस का। सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स को यूज़ करते हुए आप देख सकते हैं मैंने एक ही कलर को चूज़ किया है आज के डिज़ाइन के लिए, और फिर हम इसको 3 कलर लेयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे ईजीली, जो कि बहुत ही ईजी है। आपको पता है हम इसके कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप 3 नलकियाँ भी ले सकते हैं एक ही कलर की। जैसे आपको इजी लगता है आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, इसी डिज़ाइन को आप पैराशूट के थ्रेड से भी बना सकते हैं, जैसे आप के फैब्रिक पे रिक्वायर्ड है या जैसे आपको अच्छा लगता है। इस थ्रेड के लिए 3 लेयर्स के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही ईजी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन स्लिप नॉट लेते हुए। काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए, थैंक यू। स्लिप नॉट ले लिया है हमने अपने थ्रेड पे और इसको हम अपने अटैच कर देंगे फैब्रिक पे, जहाँ पे भी आपने डिज़ाइन बनाना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सिंगल क्रोशे के साथ ही हम यहाँ पे ले लेंगे 3 चेन 1 2 एंड 3। 3 चेन के साथ हमने यहाँ पे 4 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। यहाँ पे इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में ही ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, लेकिन नेक्स्ट में हमने इसको थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाना है। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इस तरह से 1 2 एंड 3 और ये हमारा 4 डबल क्रोशे हो गया। फोर डबल क्रोशे कंप्लीट हो गया हमारा, तो हम क्या करेंगे इसके अपने ही डिस्टेंस पे इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। सिंगल क्रोशे करते हुए यहाँ पे हमने बनानी है 5 चेन 1 2 3 4 एंड 5। 5 चेन को हम बैक साइड से जाके अटैच करेंगे अपने जो फर्स्ट वाला फ्लावर हमने बनाया है उसके एज पे। 5 चेन है और हम बैक पे आ गए हैं, तो ये क्या करेंगे, ये जो हमने 4 टाइम डबल क्रोशे बनाया है और ये जो हमारा फर्स्ट वाला स्टिच था उसके एज पे हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे और फिर वापस फ्रंट पे आ जाएंगे, और इस वाले गैप में हमें 7 to 8 टाइम्स सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आपके थ्रेड पे भी डिपेंड कर सकता है, यहाँ पे आपके 8 सिंगल क्रोशे बनेंगे या 7। हमारी कुछ इस तरह से इसकी लुक आ जाएगी 8 सिंगल क्रोशे के साथ, तो फिर क्या करेंगे हम इसको इसके साथ ही बिल्कुल इसके साथ ही सिंगल क्रोशे कर देंगे। कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे कर दिया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, वेरी फर्स्ट स्टेप। तो इसके बाद हमने क्या करना है, 3 चेन ले लेनी है। 3 चेन लिया और डबल क्रोशे का बल लेते हुए हमने यहाँ पे 4 टाइम डबल क्रोशे बनाना है इस वाले गैप में। डबल क्रोशे का बल लिया, यहाँ से हम इधर एंटर हुए और हमने डबल क्रोशे बनाया 1 2। साथ ही हम अपने थ्रेड की लेंथ को भी बढ़ाते जाएंगे। टू डबल क्रोशे हो गया और ये हो गया हमारा 3 डबल क्रोशे इसी के क्रॉस में, और हम 4 टाइम बनाएंगे और ये 4th डबल क्रोशे। 4th डबल क्रोशे हो गया और फिर हम क्या करेंगे इसको इसी के डिस्टेंस पे हमने अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से, कुछ इस तरह से। आप सेम काउंटिंग्स लेके चलेंगे तो आपका डिस्टेंस सेम ही रहेगा। कुछ इस तरह से ये हमारे पैटर्न की लुक आती है। ये वेरी फर्स्ट पे हमने ऐसे ही बनाना है, इसके बाद फिर हमने इस चीज़ को रिपीट करना है। एक बार फिर से बनाऊंगी मैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशे कर दिया, 5 चेन ले लिया, बैक साइड पे चले गए। बैक साइड पे जाके ये वाला जो हमारा
फ्लावर था इसके एज पे हमने इसको सिंगल क्रोशे कर दिया। सिंगल क्रोशे किया, वापस आ गए फ्रंट पे और इस वाले गैप में मैंने 8 सिंगल क्रोशे बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सिंगल क्रोशे को हमने इधर यहाँ पे इसके साथ ही सिंगल क्रोशे के साथ ही एक बार सिंगल क्रोशे कर देना है इसको, और साथ ही हमने क्या लेना है 3 टाइम चेन कुछ इस तरह से। एक बार फिर से बनाएंगे ये वाला 3 चेन वाला 3 चेन प्लस 4 टाइम डबल क्रोशे लूँगी इसके इस गैप के अंदर। 1 2 3 एंड 4 ये 4 डबल क्रोशे हो गया हमारा, और फिर हम इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे पे। इस तरह से इसी को रिपीट करते जाना है और हमने अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेनी है। मैं आपको थोड़ी सी लेंथ बना के शो करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि हमारी ये डिज़ाइन की फाइनल लुक कैसी आती है, और बहुत ही खूबसूरत दिखता है ये वाला डिज़ाइन। मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट की है, फिर मैं बाकी का बाद में कंप्लीट करूँगी। आप चेक कर सकते हैं इसको फाइनल लुक हमारी कैसी आती है, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये डिज़ाइन। हमें इसमें किसी किस्म के मोती पर्ल्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही बहुत खूबसूरत है। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा और बिल्कुल नई लुक आती है इस डिज़ाइन की। आप इस डिज़ाइन को इजीली कैरी कर सकते हैं अपने बच्चियों के फ्रॉक्स पे, अपने दुपट्टे के पल्लू पे, अपने गले पे, दामन पे, कहीं पे भी बनाएं, बहुत खूबसूरत लगता है। और इस डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगता है। और अगर आपको डिस्टेंस लेने में किसी किस्म की मुश्किल होती है तो आप एवरी टाइम क्या करेंगे, सबसे पहले डिज़ाइन बनाने से पहले आप बेस रो बना लेंगे कभी 1 चेन के साथ और कभी 2 चेन के साथ, तो फिर आपको डिस्टेंस लेने में आसानी हो जाएगी। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।